पिछली क्लास में हमने एक्सेल बताया था। एक्सेल में अपने सभी ऑप्शंस हो गए हैं, आ गए हैं, सब कुछ पूछना तो नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे गूगल शीट्स। गूगल शीट्स एक्सेल की तरह ही होती है, लेकिन आप उस पर ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं और आपकी आईडी से आप एक साथ कई व्यक्तियों को शेयर कर सकते हैं कि शीट के ऊपर कई सारे व्यक्ति एक साथ काम भी कर सकते हैं। अपन चलते हैं यहाँ से गूगल क्रोम में, जिसमें भी आप इंटरनेट चला सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज, इनमें से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। हम अभी गूगल क्रोम में ही जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे गूगल शीट्स ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जीमेल आईडी लॉगिन कर रहे हैं, जीमेल पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से कभी लॉगिन की है आपकी ईमेल आईडी तो यहाँ पर शो करेगी, अगर नहीं की कभी तो फिर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा यूज अनादर अकाउंट पर। अभी हमारी ईमेल आईडी पहले से लॉगिन थी, इसलिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे और अब हमें ओनली पासवर्ड डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से यूज अनादर अकाउंट करेंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड दोनों ही डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे, और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरह से ईमेल आईडी आ जाएगी। अब आप इसमें गूगल शीट्स खोलना है आपको, तो उसके लिए आप जरूरी नहीं ईमेल आईडी पर ही, यहाँ पर जहाँ भी आपको ये डॉट्स बने दिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर न्यू टैब ले रहे हैं, यहाँ पर आपको डॉट्स बने हुए दिख रहे हैं, इन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो होते हैं ये गूगल एप्स आ जाते हैं। आप एक बार इस सॉप किसी भी सॉप उसमें अपनी किसी भी जैसे कि गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर लेते हैं, तो उसमें इस तरह से आपकी आईडी पर जो भी प्रोफाइल पिक्चर रहती है वो आती है, ठीक है। और अगर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है साइन, तो आप इस इन डॉट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको गूगल एप्स मिल जाते हैं। गूगल के एप्स है सभी, जैसे कि यूट्यूब, गूगल क्रोम, मैप्स, ये सभी। तो अपन थोड़ा सा नीचे चल रहा है, यहाँ पर आपको ओपन करना है सीट्स, इसका पूरा नाम होता है गूगल सीट्स। आप इसको मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कभी जब भी आपने इनको ओपन किया होगा, मतलब पहले से आपने कोई शीट्स बनाई है, जैसे हम एक्सेल पर ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं वैसे ही हम इसमें ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको जो फाइल्स पहले से बनी हुई है कभी हमने यहाँ पे ओपन की होंगी तो वो देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये आज ओपन की थी, ठीक है, ये यस्टरडे, कल ओपन की थी, प्रीवियस 7 days, पिछले 7 दिनों में जो भी फाइल्स यहाँ पर ओपन की होंगी वो आपको यहाँ पर शो करा रहा है, प्रीवियस 30 days, नाम भी शो करा रहा है। जैसे कि अगर हमें ओपन करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। अगर हमें न्यू बनानी है तो आप यहाँ से जाएंगे ब्लैंक स्प्रेड शीट पर, ब्लैंक स्प्रेड शीट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, आप यहाँ से टेम्पलेट्स गैलरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आपको जिस भी टेम्पलेट्स में काम करना है, जैसे कि अपन नॉर्मल एक्सेल में टेम्पलेट्स आते थे, आप उनमें टेम्पलेट्स में सिर्फ आपको डाटा फिट करना रहता है वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ब्लैंक यूज करना है तो आप यहाँ से ब्लैंक स्प्रेड शीट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा, जैसे अपने पास एक्सेल में आता था, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये रो है और ये कॉलम, और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हर एक सेल का एक एड्रेस बता रहा है, एक रो और एक कॉलम से मिलकर एक सेल बनता है, और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पर शो करा रहा है। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से जैसे आप एक्सेल में वर्क कर सकते हो ऐसे ही यहाँ पे भी वर्क कर सकते हो। आप एक ही शीट के अंदर, एक ही वर्कशीट के अंदर आप कई सारी शीट्स ले सकते हो, जैसे कि अभी ये शीट 1 है, प्लस के साइन पर हम क्लिक करेंगे शीट 2 आ जाएगी, एक बार और प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे शीट 3 आ जाएगी। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से रीनेम पर क्लिक करेंगे तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको करना आप यहाँ से कर सकते हैं, जो अपन ऑफलाइन वर्क कर सकते हो। इतना क्लियर है? आप अगर एक्सेल में कोई वर्क कर रहे हो और आप उसको सेव नहीं कर पाए, लाइट चली गई या फिर गलती से आपने विंडो क्लोज कर दी, अगर आप सेव नहीं कर पाए तो आप उसको वापस लेकर नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन एक्सेल में वर्क, मतलब ऑनलाइन एक्सेल में आप वर्क कर रहे हैं, यानी कि गूगल शीट्स में आप वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लिख लिया,
ठीक है, हम कुछ वर्क कर रहे हैं, गलती से हमारी विंडो क्लोज हो गई, पूरी विंडो क्लोज हो गई। अब आप जब एक्सेल में जाएंगे और गूगल शीट्स ओपन करेंगे, यहाँ से हम इन डॉट्स पर क्लिक कर रहे हैं, नीचे साइड जाएंगे, यहाँ से हम शीट्स पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक उसने सेव कर दिया। किस टाइम पर हमने यहाँ पर इसमें कुछ भी डाटा फिट किया था या फिर बनाई थी वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर अनटाइटल्ड स्प्रेड शीट इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने उसको कोई नाम नहीं दिया। जब आप इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि जैसा आपने छोड़ा था वैसा ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नहीं इसमें किस इस वाली शीट में थी वो इसलिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ से क्लोज कर दिया, जैसे कि ये वाली खुली थी फर्स्ट वाली, थर्ड वाली सीट में हमने डाटा फिट किया था, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, हमने ना तो सेव किया ना कुछ किया। आप अगर इसको इसमें कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी करते हैं एडिटिंग और इसको क्लोज कर देते हैं, वापस आप इसको ओपन करेंगे वापस ये आपको वैसा ही मिलेगा, इसमें आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं। इतना क्लियर है? अब इसके बाद हम यहाँ से बैक जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसको कोई नाम देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे थ्री डॉट्स पर, यहाँ पर आप रीनेम पर क्लिक कर देंगे, तो अनटाइटल स्प्रेडशीट की जगह पर आप क्या नाम देना चाहते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख देंगे और ओके कर देंगे, तो देखिए उस नाम से आने लगेगी। जैसे कि आपका जिस भी टाइप का डाटा है उस टाइप का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ से एक ही सीट रख लेते हैं, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अरे डुप्लीकेट पर क्लिक हो गया तो वो डुप्लीकेट हो गई, डिलीट कर देते हैं इसको भी, और यहाँ से इसको भी राइट क्लिक करके और डिलीट। ठीक है, तो हमारे पास अभी शीट वन है। आपने जैसे ऑफलाइन एक्सेल में वर्क किया था उसमें आपको ये सब ऑप्शंस मिलते हैं, वो ही सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि आपको इसमें बिल बनाना, तो बिल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप मर्ज करते हैं। ठीक है, शॉप का नाम लिखने के लिए इतनी जगह सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलता है ये वाला। ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ रहा है मर्ज ऑल, मर्ज वर्टिकल, मर्ज हॉरिजॉन्टल। अगर आपको मर्ज ऑल करना है तो आप देखिए यहाँ पर मर्ज हो गया, और आप यहाँ पर ये जो थ्री डॉट्स बन रहे हैं आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि ऑटो सम वाला, फिल्टर वाला। ठीक है, और ये सभी आपको आपका जो अलाइन है वो कहाँ रखना है ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, वो सभी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो अपन ने ऑफलाइन भी किए हुए हैं, आप सभी कर कर देख लेना। तभी हम आपको बिल बनाना एक बार और बता देते हैं। कौन से ये वाला, ये होता है इंसर्ट कमेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कमेंट का ऑप्शन आ गया, आपको किसी में कमेंट देना है, जैसे कि उसमें रहता था ना कमेंट का ऑप्शन एक्सेल में, आपको जैसे कि इसमें कोई कमेंट देनी है तो आप यहाँ से कमेंट दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर शो करा रहा है, जब हम यहाँ पे माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे या क्लिक करेंगे तो ये देखिए शो करा रहा है कमेंट, कमेंट कर सकते हैं आपको, जैसे कि आपकी कोई शीट है उसके अंदर आपको कोई कमेंट देनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला ऑप्शन आता है ये प्लस, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए क्या कमेंट देनी है आप यहाँ पर लिख देंगे और कमेंट पर क्लिक कर देंगे, आप कहीं बाहर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा, लेकिन जहां भी आपने कमेंट दी है उसमें इस तरह का साइन आने लगता है येलो कलर का, और जब माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो इस तरह का आ जाता है। अगर आपको इसके रिप्लाई में कुछ और कमेंट करनी है तो कर सकते हैं, अगर आपको इस कमेंट को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना है इसमें ही कोई एडिटिंग करनी है तो एडिट कर सकते हैं, आप डिलीट कर देंगे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम आपको एक बार पूरे ऑप्शन बता देते हैं। देखिए स्टार्टिंग से बता देते हैं, यहाँ पर ये सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है सर्च द मीनस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आता है अंडो और रीडो का, जैसे कि आपने कुछ टाइप कर लिया और गलती से उसको डिलीट कर दिया आप क्या करते हैं कंट्रोल जेड करते हैं, तो यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपको, आप कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस में उसी पे पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल बाय करेंगे तो जिस भी चीज को आपने कंट्रोल जेड किया वापस से उसी में पहुंचाएंगे। ये ऑप्शन रहता है प्रिंट का, आप यहाँ पर शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तब भी प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, और जब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है, जितनी जगह में आपका डाटा रहता है उतनी जगह का आप प्रिंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट है